बहुत सारे रहस्यों को खोलने वाला हो भगवान की पूजा से रिलेटेड, ठीक है, भगवान की पूजा का मंदिर में जाने का एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ, एक ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, एक ऐसा साक्षात्कार बताने वाला हूँ जिसको आपने डेफिनेटली नहीं महसूस किया होगा। और भाई ये जो एहसास है, ये जो सीक्रेट रहस्य है, वो आपको डेफिनेटली महसूस करना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर इसको महसूस करना चाहोगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आपको साक्षात्कार करवाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोनी और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। बहुत सारे लोगों के दिमाग में या फिर बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज देखकर दिमाग में एक खिचड़ी पक गई होगी कि भाई भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, उनके ऊपर दूध चढ़ाना वेस्ट है, दिए जला के तेल का वेस्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे दिमाग में मतलब मिथ भरे हुए हैं, बहुत सारे दिमाग में कचरा बॉलीवुड ने भर दिया ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। हमारी जो संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, उनके अंदर बताया गया है हर कोई अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने जो भगवान को मानते हैं उस हिसाब से मंदिर में पूजा करने के लिए जाया जाता है और हर कोई जाता है, ठीक है। लेकिन उनके पीछे का रहस्य नहीं पता। मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताने वाला हूँ, साइंटिफिक सीक्रेट बताने वाला हूँ, और जिसको जान के आप डेफिनेटली मंदिर जाना जरूर स्टार्ट करने वाला हो, ठीक है। अब पूरे साल के अंदर हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान के बहुत सारे त्योहार आते हैं, ठीक है, थीके? उनके स्पेशल जन्मदिन आते हैं और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि रामनवमी हो गया, महाशिवरात्रि हो गया, अभी जो हमारे हिंदू त्योहार का श्रावण महीना बैठा है वो हो गया, अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, नवरात्रि आने वाली है, दशहरा आने वाला है, अलग अलग भगवान के अलग अलग त्योहार आते हैं और हमको कहीं ना कहीं ये प्रेरित करते हैं कि आप जो भी भगवान को मानते हो तो आप मंदिर में जाओ या फिर उनकी पूजा करो। ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है और ये मैं स्टार्टिंग में क्यों बोला, क्योंकि आपको एड्रेस करना जरूरी था इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का साइंस, इसके पीछे का सीक्रेट जानने के लिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आता होगा कि आपको या फिर मुझको या फिर किसी को, हम सबको मंदिर में क्यों जाना चाहिए। देखो, आप अगर भगवान को मानते हो नहीं मानते हो ये दो नंबर की बात हो जाती है, लेकिन ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैंने जो फील किया था, मैंने जो महसूस किया था वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज से दो या फिर तीन साल पहले की बात है, हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, वहाँ पर बहुत सारा पढ़ाई का टेंशन, ऊपर से असाइनमेंट्स का टेंशन, कॉलेज के रिलेटेड इतना सारा टेंशन, बहुत सारी चीज़ें का टेंशन रहता था, ठीक है। और तब आया श्रावण का महीना, और वो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र महीना माना जाता है, जो कि अभी फिलहाल भी चल रहा है, इसमें भगवान शंकर की बहुत महिमा है। तो फिर उस टाइम पर हमारे जो हॉस्टल थी उसके नजदीक में ही एक छोटा सा लेकिन एक मस्त सा महादेव का मंदिर था। उस टाइम पर जैसे कि मैंने कहानी में बताया, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन हमने डिसाइड किया श्रावण का पहला सोमवार है तो हम लोग जल्दी उठेंगे सुबह और फिर मंदिर में जाएंगे। और वैसा ही हुआ, उस रात हम जल्दी सो गए, जल्दी उठकर फ्रेश हो गए, अच्छे से तैयार होकर मंदिर में गए। जैसे ही मंदिर में गए, दिल एकदम खुश हो गया, वहाँ पे जाके भगवान जी के दर्शन किए, वहाँ पे जो एनवायरमेंट था, वहाँ पे जो वातावरण था, वहाँ पे जाके हम सारा स्ट्रेस खत्म, सारा का सारा जो टेंशन था खत्म, भाई एकदम दिमाग खुल गया, दिमाग एकदम हैप्पी फील करने लगा, ठीक है। और ये तो तब मुझे कॉन्फिडेंस लगा था, लेकिन उसके बाद हर अच्छे त्योहार पे, यानी कि रामनवमी हो गया राम भगवान के मंदिर पे, हनुमान जयंती हो गया हनुमान जी के मंदिर पे, शिवरात्रि हो गया भगवान शंकर के मंदिर पे, जन्माष्टमी आने वाली है श्री कृष्ण के मंदिर पे, मतलब इस टाइम से त्योहार के दौरान हम अलग अलग मंदिर में जाते हैं। गणेश चतुर्थी के टाइम पर तो भाई पूरा का पूरा माहौल ही बन जाता है, और उस हिसाब से अलग अलग भगवान के अलग अलग मंदिर में हम जाते हैं। तो साइंटिफिकली हमें एक बहाना मिलता है भगवान के पास जाने में, फिर एक ऐसे प्लेस पे जहाँ पे एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पे जाके आपका पूरा का पूरा स्ट्रेस, पूरा का पूरा जो दिमाग के अंदर कचरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा जो टेंशन है, एक सेकंड में खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, हर बार जितनी भी बार मैं गया हूँ, हर बार मैं एकदम हैप्पी होके एकदम प्रफुल्ल होकर लौटा हूँ मंदिर से। मैं वहाँ पे जाके बहुत बड़ी बड़ी पूजा या फिर बहुत मतलब ऐसे भजन कीर्तन नहीं करता, लेकिन सिर्फ वहाँ पे जाते हैं जो बेसिक सी चीज़ें होती है, भगवान को हाथ जोड़ के उनके नाम लेना या फिर जो भी नॉर्मल सी चीज़ें वही करते हैं, लेकिन उससे भी इतना इफेक्ट पड़ता है दिमाग के ऊपर। मंदिर में जाने के बाद दो तीन दिन इतने बेस्ट निकलते हैं, और इसलिए मैं यही कहता हूँ, साइंटिफिकली भी यही है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल साक्षात्कार भी यही है कि आप भगवान को मानो अगर ना मानो, लेकिन अगर आप टेंशन में हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आपका दिमाग एकदम उलझा हुआ है, आपके नजदीक के मंदिर के पास जाओ, जो भी भगवान है वहाँ पे जाके बस 10 बार भगवान का नाम लेके आँख बंद करके शांति से बैठो, एक बार घंटी बजाओ, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो उसी मंदिर में 10-15 मिनट या फिर अगर टाइम हो तो आधा घंटा एक घंटा स्पेंड करो। और यहीं पर मैंने जो साइंटिफिक रीजन की बात की थी, जो साइंटिफिक सीक्रेट की बात की थी, वो दो सीक्रेट्स है। सबसे पहला तो जब भी आप मंदिर में जाते हो, जब आप घंटा बजाते हो और उसके नीचे आप खड़े रहते हो, उसके अंदर से जो वाइब्रेशन निकलता है उससे आपकी पूरी बॉडी के अंदर से जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है, आपकी पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। और रीजन नंबर टू जो कि बहुत ही बड़ा सीक्रेट है,
और वो जुड़ा हुआ है साइंस की सीक्रेट के साथ, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। साइंस में ये बात तो बहुत बार सुनी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसका यूज करके आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हो। मतलब कि आपको जो भी चाहिए वो आप यूनिवर्स से मांगते रहो, यूनिवर्स को बताते हो, हमेशा पॉजिटिव रहो और एक दिन वो आपको मिल जाएगा। तो वो ऐसे ही वर्क करता है, जैसे ही आप मंदिर में अगर आप हर बार जाते हो तो आप भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हो, तो मैं तो कहूँ मांगना चाहिए। आप भगवान के बच्चे हो, हम सब भगवान के बच्चे हैं, आप अपने पिता से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे। तो साइंटिफिकली आपको भगवान से मांगना चाहिए जो भी आपको लाइफ में चाहिए। घर में शांति चाहिए, लाइफ में तरक्की चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए भगवान से मांगो। आप भगवान से मांग रहे हो, काइंड ऑफ यूनिवर्स से मांग रहे हो, और आप जो चीज यूनिवर्स से बार बार मांगते हो वो आपको एक ना एक दिन जरूर मिल जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलता है, और यहीं पे एक्चुअली साइंस वर्क करता है। कुछ भी नहीं करना है भाई, इतना करने से आपके दिमाग के अंदर इतना इफेक्ट पड़ेगा, इतना बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इतना बेस्ट पॉजिटिव माइंड सेट बनने लगेगा, आपको इतना पॉजिटिव बनने लगोगे। मैं भगवान की कृपा की, भगवान की साक्षात्कार की, भगवान को मानने की बात कर ही नहीं रहा हूँ। अगर मानते हो नहीं मानते हो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप जाओ, ठीक है, वहाँ पे जाओ, इतना बेस्ट फील होगा ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। और एक्चुअली ये वीडियो का टॉपिक भी यही था, मंदिर, भगवान को मानने के लिए, भगवान से मांगने के लिए ये लड़की पटवा दो या फिर इस दुश्मन को खत्म कर दो, ये सब मांगने के लिए नहीं जाओ भाई, सिर्फ जाओ अपने लिए, खुद के लिए। आप अपने आप को इतना महसूस करोगे, अपने आप को इतना अंदर से जानने लगोगे ना भाई। और अगर आपको ये हंसी ठुठली वाली बात लग रही है, या फिर क्या मजाक कर रहा है, या फिर ऐसे ही हवा में बात कर रहा है, ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, मंदिर में जाओ, खुद ट्राई करो, और फिर मुझे आके बोलना कमेंट में कि भाई हाँ तूने बात सही की थी, ठीक है। बाकी अभी बीजेपी की सरकार चल रही है और उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी का 5, ठीक है, 5 ऐसे बकवास डिसीजन जिसकी वजह से हमारा देश बर्बाद होके मतलब खत्म होने वाला है, ठीक है, और इंडिया इतनी बदतर हालत हो जाएगी इस 5 डिसीजन से कि आप सोच नहीं सकते, आप खून के आंसू रोने वाले हो, ठीक है। और अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो तो फिर ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, वीडियो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके अभी कभी देख लो। बाकी लाइक कमेंट शेयर वाला मामला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर अच्छा हो तो कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग रोनी ऑफिशियल।